अध्यक्ष महोदय। श्री डूंगराम गेदर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव का समय दिया। मैं एक महत्वपूर्ण मसले पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सूरतगढ़ कस्बा जिला बनाने की संपूर्ण पात्रता रखता है। सूरतगढ़ में एयरपोर्ट है, मिलिट्री स्टेशन है, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन है, श्री सीमेंट की बड़ी फैक्ट्री है और सामरिक दृष्टि से भी सूरतगढ़ अति महत्वपूर्ण शहर है। साथ ही सूरतगढ़ में शिक्षा का बहुत बड़ा हब है और 50,000 से अधिक छात्र दूसरे कस्बों, शहरों, राज्यों से आकर यहाँ पर शिक्षा लेते हैं। इसके अलावा सूरतगढ़ में ADM कर ले, डिप्टी SP कर ले, तहसील कर ले, ADJ कोर्ट, कॉलेज सहित अधिकतर कार्यालय भी संचालित हैं। महोदय, सूरतगढ़ को जिला बनाने की वर्षों से मांग चली आ रही है और इस संबंध में सरकार के स्तर पर भी कई बार बात पहुंचाई गई, परंतु जिला नहीं बनाए जाने से जनता में आक्रोश है। महोदय, वर्तमान सरकार द्वारा पूर्व में गत सरकार द्वारा बनाए गई जिलों की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है जो इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी। मेरा यह निवेदन है कि सूरतगढ़ समस्त मापदंड पूरा करता है तथा सूरतगढ़ तहसील के कई गांव श्री गंगानगर और अनूपगढ़ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है, जिनकी जनता को जिला मुख्यालय पर आने जाने में काफ़ी समय और धन खर्च होता है, असुविधा का भी सामना करना पड़ता है। अतः प्रक्रिया के नियम 295 के तहत यह विशेष उल्लेख कर प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि सूरतगढ़ को जिला बनाए जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री अमित चाचाण। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र नोहर हनुमान